हाय एवरीवन, तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि हमारे सीयूईटी में लो स्कोर आ रहे हैं, क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, क्या अभी भी चांसेस हैं कि हमें हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या आपके चांसेस हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी की कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाती है, आपके 200 250 300 350 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और ये जितने भी कॉलेजेस हैं उनको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर फिल करना है आपको। इसके पहले एक बात का और ध्यान रखना कि ये मैंने किसी भी रैंक के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया है कि रैंक 1 पे मैंने इसको रखा है, 2 पे इसको रखा है, 3 पे नहीं, ठीक है। जितने भी कॉलेजेस हैं इस लिस्ट में वो सारे ही आपको लो स्कोर पे मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, सो डोंट वरी। इसके अलावा भी ऐसे कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के हो गए जिनमें भी आपको लो स्कोर पे एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको थर्ड राउंड तक या फोर्थ राउंड तक वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी मैं आप लोगों के साथ डीयू के लो स्कोर्स वाले कॉलेजेस की लिस्ट को शेयर कर रही हूं। सो नंबर 1 पे आता है हमारा जाकिर हुसैन कॉलेज। अब जाकिर हुसैन कॉलेज एक तो मॉर्निंग है और एक तो इवनिंग कॉलेज है, दोनों में आपको एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस होंगे क्योंकि इसका कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाता है। अगला है हमारा शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये भी एक इवनिंग कॉलेज है और इसके भी कट ऑफ लो जाते हैं, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। तीसरा है हमारा दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे मैं दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की बात करी हूँ, एक दयाल सिंह कॉलेज है जो कि मॉर्निंग कॉलेज है, उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। अगला है आपका पीजीडीएवी मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज, दोनों के ही कट ऑफ लो जाते हैं। उसके बाद आता है सत्यवती कॉलेज, सत्यवती कॉलेज भी आपके इवनिंग और मॉर्निंग दोनों ही कॉलेजेस हैं और दोनों की कट ऑफ लो जाती है। नेक्स्ट है हमारा औरबिंदो कॉलेज, ठीक है। अगला है हमारा मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो कि एक मॉर्निंग कॉलेज है और इवनिंग भी है, तो दोनों की कट ऑफ लो जाती है और दोनों में ही आपके एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। फिर आता है हमारा स्वामी शारदानंद कॉलेज, अगला है हमारा देशबंधु कॉलेज, इसके अलावा आता है आपका अदिति महाविद्यालय जो कि ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो इसकी भी कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाती है, लो स्कोर पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। माता सुंदरी कॉलेज भी ओनली फॉर गर्ल्स है और इसमें भी आपको लो स्कोर पे एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगला हमारा आता है राजधानी कॉलेज, इस कॉलेज की भी कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाती है, आपको 200 250 300 मार्क्स पे भी एडमिशन मिल रहा होगा। तो ओवरऑल मैंने जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट बताई है, चाहे वो इवनिंग कॉलेजेस हो चाहे वो मॉर्निंग कॉलेजेस हो, जितने भी कॉलेजेस की मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई है आपको, सबको, सारे कॉलेजेस को देख लो, आपको ये सारे कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर डालना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 2 में आएगा आपका प्रेफरेंस लिस्ट, तो अभी से ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बना के रखो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, कभी भी इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 2 3 4 पे नहीं डालना है, इनको आपको एंड में ही डालना है। नंबर 1 2 3 4 टॉप 10 टॉप 20 में आपको बेस्ट कॉलेजेस डालने हैं जो कि नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हो गए, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हो गए, कभी भी इनको आपको टॉप पे नहीं डालना है। बाकी इन कॉलेजेस में आप लो सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन आराम से ले सकते हो, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं तो आपके कभी भी आप जो डिग्री आपको मिलेगी लास्ट में, कभी भी उस पे मेंशन नहीं होता है कि आपने सत्यवती कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है या आपने मोतीलाल नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, ऐसा कभी मेंशन नहीं होता है। आपको बस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। और अगर मैं सच बताऊं तो कॉलेज में जो मेन चीजें हैं जो मैटर करती है वो आपके स्किल्स होते हैं, ठीक है। स्किल को कैसे डेवलप कर रहे हो आप, बहुत अच्छे कॉलेज में चले गए, आप हंसराज एसआरसीसी में चले गए, लेकिन आप स्किल के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हो, स्किल डेवलप करने का नामो निशान नहीं है, तब आप आगे चल के एक अच्छी जॉब नहीं ले पाओगे। तो अगर आपका लो स्कोर आ रहा है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो और अपने स्किल के ऊपर वर्क कर सकते हो, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपको अच्छी जॉब मिल सके, हाई पेइंग जॉब मिल सके। कोई भी डाउट होना आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और ऐसे ही सीयूईटी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब एक भी सीयूईटी का अपडेट आप मिस नहीं कर सकते हो, मिस करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हो। मैंने जैसे खुद के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े और उस प्रेफरेंस लिस्ट को आप अपने हिसाब से ही मॉडिफाई कर सकते हो। सो डोंट वरी, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट।